Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. We are covering a very important topic today for UPSC prelims and also for other state PSC prelims also. बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है जो मेन इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि आप ऑल इन वन करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है हमारी फॉर हिंदू पीआईबी एंड अदर सोर्सेज आल्सो यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. तो आप जाके यहाँ पे सैम्पल भी देख सकते हैं एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन बाय एंड डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. ओके and now let's start with the topic, that is the top 25 most important committees in news for UPSC, state PSCs and SSC. So we have taken only the most important committees जो अभी पिछले एक दो साल में न्यूज़ में थी और मतलब UPSC उन पे टारगेट कर सकता है. कमिटीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. इसके अलावा भी कई सारी कमिटीज़ हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन और इन कमिटीज़ को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. ओके सो लेट्स सी. सो फर्स्ट वन इज़ द देवर कमिटी, दैट इज़ फॉर द स्टेटस ऑफ PVTGs. PVTGs के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं. दे आर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो उनके स्टेटस के लिए धेबर कमेटी बनी थी. ओके धेबर कमेटी, प्लीज़ रिमेंबर. देन नेक्स्ट वन इज़ द पीजे नायक कमेटी एंड दिस वॉज टू इवेल्यूएट गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स एंड इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो. ठीक है, पीजे नायक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हीं की रिकमेंडेशन से बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बना था, जो कि मतलब बैंक्स का रिफॉर्मेशन, जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा डेप्ट में चल रहे हैं बैंक्स वगैरह और उनके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स वाली प्रॉब्लम है उसके लिए, और अपॉइंटमेंट जो होते हैं बोर्ड ऑफ बैंक के गवर्नेंस वगैरह के लिए, इन सब के लिए है. तो ये कौन है, ये विनोद राय हैं जो अभी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन भी हैं. ओके नेक्स्ट वन इज़ द BP जीवन रेड्डी कमिटी, तो ये बनी थी टू रिव्यू अफ्सपा इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ओके सो अफ्सपा जो है वो तीन बार लग चुका है, तो उसमें जो 1958 वाला था, दैट इज़ फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, एंड इसको रिव्यू करने के लिए जीवन रेड्डी कमेटी बनी थी. ओके नेक्स्ट इज़ दी लिबरहान कमेटी एंड दिस वॉज टू इन्वेस्टिगेट डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इन 1992. तो ये जो अयोध्या मसेकर या बाबरी मस्जिद का ये 1992 में पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था इसका, मस्जिद का, उसके लिए बनी थी लिबरहान कमेटी. इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं. ठीक है, और फिर जी रोहिणी कमेटी अभी न्यूज़ में थी, दिस वाज इन न्यूज़ रिसेंटली. इट हैज़ बीन मेड टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs, दैट इज़ दी अदर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, तो OBC में जो अंदर अब क्या सब कैटेगरीज हो सकती हैं उसके लिए ये जी रोहिणी, जस्टिस जी रोहिणी कमेटी बनी है. देन मलिमथ कमेटी इज़ ऑन क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट. ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट पे है मलिमथ कमेटी. फिर SN ढींगरा कमेटी, दिस वाज टू एग्जामिन 1984 एंटी सिख रायट्स. प्लीज़ इसको याद रखना, SN ढींगरा कमेटी 1984 के एंटी सिख रायट्स के लिए बनी थी. देन DB शेकतकर कमेटी टू रेकमेंड मेजर्स टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज. ठीक है, याद रखना कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है वो, और कॉम्बैट कैपेबिलिटी, इसको एनहांस करने के लिए DB शेकतकर. आर्म्ड फोर्सेस मेन, ये टर्म याद रखना, मेन टर्म याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है, फिर लोधा कमेटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज़ फॉर रिफॉर्म्स विद इन BCCI. ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके लिए बनी थी ये लोधा कमेटी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. देन रतन वत्तल कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है, तो ये फ़ोटोज़ वगैरह जो डाले हुए हैं ये इसीलिए डाले हैं कि आपको एटलीस्ट मतलब ऐसे डायरेक्ट याद रहेगा. एक मतलब फ़ोटोज़ से कई बार ज़्यादा आपको रिमेंबर करना आसान रहता है. तो ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए रतन वत्तल कमेटी थी. फाइन, देन कस्तूरी रंगन कमेटी एंड गडगिल कमेटी, दिस वॉज ऑल फॉर
टेलिंग द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, कि मतलब इन्होंने अलग अलग परसेंटेज बताए थे कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं उनमें कितना परसेंट एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। इसकी आप डिटेल्स अलग से जाके भी देख सकते हैं। तो इसके लिए कस्तूरी रंगन कमेटी थी और गडगिल कमेटी, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट इज बी एन श्री कृष्ण कमेटी। तो बी एन श्री कृष्ण की जो कमेटी बनी है वो कई चीज़ों के लिए बनी है। वन इज़ फॉर डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, नंबर वन फॉर डेटा प्रोटेक्शन। सेकेंड इज़ फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड थर्ड इज़ फॉर सेपरेट तेलंगाना, ठीक है। तो श्री कृष्ण कमेटी, याद रखना, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, क्या उसके लिए थी। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, तो पता है कि इंडिया को है ना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का हब बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंस्टीट्यूट वगैरह कहाँ बन सकते हैं, कैसा बन सकता है, वो रिकमेंड करने के लिए। और तीसरा था, ये तब बनी थी कि जब तेलंगाना को सेपरेट करना था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये तीनों हैं बी एन श्री कृष्ण से रिलेटेड। फिर ए के माथुर कमेटी, ये सेवेंथ पे कमीशन के हेड थे ए के माथुर, ठीक है। फिर अनिल काकोड़कर कमेटी, दिस वाज ऑन हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी फॉर इंडियन रेलवेज, ठीक है। इंडियन रेलवेज में मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह और कई ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं इंडियन रेलवेज से रिलेटेड, तो उसमें सेफ्टी रिव्यू करने के लिए थी अनिल काकोड़कर कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट वॉज जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी, तो दिस वॉज टू रिकमेंड अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ फॉर क्विकर ट्रायल एंड एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वेमेन, ठीक है। तो जो वेमेन का सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके लिए क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये रिकमेंडेशंस देने के लिए जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी बनी थी। ये जस्टिस जे एस वर्मा की ही फोटो है, ठीक है। फिर माधव चितले कमेटी, ये थी डिसल्टेशन ऑफ गंगा के लिए, कि मतलब गंगा में बहुत ज़्यादा सिल्ट वगैरह जो मतलब मिट्टी वगैरह ऐसे जमा हो रही है तो उससे गंदगी मतलब रहती है, तो उसको डिसल्ट मतलब वो हटाने के लिए ये कमेटी थी माधव चितले, ठीक है। देन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो अभी ये बात चल ही रही है कि इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग की जाए, तो उसके लिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ठीक है। फिर केलकर कमेटी वॉज फॉर टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसके लिए ये विजय केलकर कमेटी थी। नरसिम्हन कमेटी, ये दो बार बनी है, ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए है, ठीक है, 1990s में ही दो बार बनी थी, तो वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद में श्याम बेनिगल कमेटी, दिस वॉज टू रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म बाय CBFC, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जिसको सेंसर बोर्ड भी कहते थे, तो उसके लिए श्याम बेनिगल, ठीक है। तो ये फिल्म से रिलेटेड हैं, तो उन्हीं की ये कमेटी थी टू रेकमेंड गाइडलाइंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट वॉज बीजी वर्गीज एंड पीसी जोशी कमेटी, तो दिस वॉज फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ AIR दूरदर्शन। तो ये जो मतलब ना ब्रॉडकास्टिंग, वो जैसे प्रसार भारती कॉरपोरेशन है, तो इन सब का जो आइडिया था वो इन्हीं कमेटी से ही आया था, ठीक है। तो प्रसार भारती एक्ट वॉज ऑल्सो इन न्यूज़, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये कमेटी आप याद रख सकते हो, बीजी वर्गीज और पीसी जोशी, ठीक है। ये काय के लिए थी, दूरदर्शन एयर प्रसार भारती, ठीक है। फिर बेस बरुआ कमेटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, दिस वाज फॉर लुकिंग इनटू कंसर्न्स ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो नॉर्थ ईस्ट के जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में रह रहे हैं, उनके जो मतलब कंसर्न्स होते हैं, उसके लिए बेस बरुआ कमेटी बनी थी। तो अभी मतलब शायद 2-3 साल हो गए इसकी, तब की बात है कि नीदो तान्या, दिस पर्सन वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट के थे और यहाँ पे मतलब दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से लिंचिंग वगैरह हुई थी, तो उसके बाद ही ये कमेटी बनी थी, ओके। देन नेक्स्ट इज़ TSR सुब्रमण्यम, तो इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो इन्हीं की कमेटी थी, TSR सुब्रमण्यम एंड जस्टिस राजेंद्र सच्चर। तो कुछ मतलब इसमें कुछ पुरानी भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, जैसे कस्तूरी रंगन, नरसिम्हन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दे कैन आस्क यू एनी टाइम, ओके। तो उसी तरह जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, दिस वॉज टू एग्जामिन सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को देखने के लिए। फिर तारकुंडे कमेटी, दिस वॉज फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स, ठीक है।
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल, और आप इसमें फीडबैक दे सकते हैं. आपको कोई और कमिटी जो इम्पोर्टेंट लगे तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट इज़ इट.